गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, हमारे योगा भी हो चुका है और अभी मैं बर्तन धोने लगी हूँ और ललित पूजा करने लगे हैं, क्योंकि आज हमने एक नई रेसिपी सफाई कर रहा हूं, उसके बाद पूजा करेंगे। वहाँ पे मंदिर की सफाई करने लगे हैं और मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मैं नहीं कर सकती। आज हम नई रेसिपी शूट करने वाले हैं, उसका आपको अभी थोड़ी देर में झलक दिखाएंगे। और वो ऐसी चीज़ है जो लोग बाहर से जाके खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, है ना, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमने सोचा है कि हम लोग घर पे ही बनाएंगे अब से जो भी बाहर का रहता है। कभी रेस्टोरेंट से अगर इनवाइट आ गया तो जाना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग घर पे ही खाने वाले हैं। तो हमने भगवान जी के लिए पानी रख रहे हैं और अभी हम दीप जलाएंगे, उसके बाद जो आज खाने में बनेगा वो भगवान को भी भोग लगेगा। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप लोग मंदिर ले लीजिए, ऐसे नहीं रखते हैं। एक्चुअली बात ये हुई है कि हमने जिनको बोला था बनाने के लिए वो अभी कहीं और ही गए हुए हैं, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो इसलिए वो चले गए थे। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कहीं से रेडीमेड मिल जाए अगर, या तो फिर बनवा ही लेंगे जिनसे हमने ये सोफ़ा वगैरह लिया है। उधर भी देखे थे हम लोगों ने मंदिर, पर हमें उतना अच्छा नहीं लगा था जितना हमें स्पेस चाहिए, जो हमें स्पेस चाहिए भोग लगाने के लिए भी। तो देखिए कोई आ गया है, कोई आया है तो मैं आती हूँ। अर्जेंटली चाहिए था और हमारा मार्केट जाना अभी पॉसिबल नहीं है तो हम लोग ब्लिंकिट कर लिए थे, कल मंडी जाएंगे हम लोग। और अभी तो बर्तन भी करने हैं। अभी हमने बना लिया है ग्रीन जूस, यहाँ पर है एकदम ग्रीन हरा जूस। तो चलिए अब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं ग्रीन जूस का, उसके बाद फिर हम बनाएंगे तो खाने के लिए। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं तुलसी का पत्ता। यहाँ पे सारे बर्तनों को धो रही है और अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं स्पेशल वो आपको बताएंगे। चलिए भगवान जी को भोग लगा दिए तो जूस का, आप भगवान जी ने भी पी लिया है, हम भी पीते हैं। और यहाँ पर हम लोग Cheers. आज क्या स्पेशल बनाने वाले हैं वो आज आपको बताना है, क्योंकि हम हर बार तो आपको बता देते हैं तो भांडा फूट जाता है, तो इस बार आपको बताना है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। सब्जियाँ देख लीजिए और देखते रहिए वीडियो। मेरा एक्सप्रेशन पीने के बाद कुछ खास अच्छा था नहीं, क्योंकि नमक है, कुछ भी सिंपल नहीं है, सिर्फ खीरे का जूस है ये। लंच बनने की तैयारी, पर सारी सब्जियां कट गई हैं और यहाँ पे रवीना घिस रही है, कद्दूकस कर रही हूँ चुकंदर को, बीटरूट। तो फाइनली हमारा लंच बन के हो गया तैयार और लंच में क्या बना है वो आप भी देख लीजिए। और बनाए हमने रोल और ये है हमारी टिक्कियां, ये है सेल है पनीर की फिलिंग जो ललित ने बनाई थी, ये है बिना प्याज लहसुन का चिली पनीर, और ये है सात्विक रोटी बीटरूट वाली, ये देखो। हाँ, और ये हमने दो तरीके की चटनी बनाई थी, एक हरी चटनी और एक म्यूनिस चिपोटले म्यूनिस। अगर इसको पूरा वीडियो चाहिए आपको कि कैसे बनाना है ये म्यूनिस तो आप देख सकते हैं चैनल पे, रेसिपी नई आने वाली है जल्द ही, खा लेते हैं आप भी आ जाइए खा लीजिए। अभी हम मूवी देखते देखते खा रहे हैं और आज की कौन सी मूवी लगी है? महाराजा, साउथ इंडियन मूवी, साउथ इंडियन मूवी महाराजा। मॉर्निंग एवरीवन, आज हम निकल चुके हैं कहाँ को?
अभी हम जाएंगे नारियल पानी पीने, फिर उसके बाद जाएंगे डी मार्ट सामान लेने और आपको दिखाएंगे क्या क्या ले रहे हैं। शॉपिंग करनी है हमें घर के लिए, बहुत सारा सामान शॉपिंग ले आज। चलो मेरे लिए कपड़े भी लेगी रवीना, बोली है क्या कपड़े दिलाऊंगी। हाँ मैं बोला ठीक है। तो डी मार्ट के लिए तो हम थैले वगैरह खुद ही लेके चले जाते हैं, अलग से ना पैसे देने पड़ते हैं। हाँ और हमारे पास में भी डी मार्ट, तो हम सोचते हैं कि भाई घर से थैला लेके जाते हैं, सही रखते हैं। बैठे हैं ललित सर, बैठे। तो मुझे अभी एक चीज याद आई, जब हम लोग हर्बल लाइफ में थे तो वहाँ पे ना सब एक दूसरे को मैम और सर बोलते हैं, तो मैं बोलती होती थी ललित सर, ये बोलते थे रवीना मैम, तो अजीब लगता है। जो हमें जानते हैं हर्बल लाइफ से उनको याद आ गया होगा। चलो सीट बेल्ट लगा लो। तो आज शाम को मंडी जाएंगे हम लोग, उसके बाद ललित मुझे गाड़ी सिखाएंगे। मतलब मुझे आती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है मुझे इनके साथ। बैटरी लो तो नहीं है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर वो बैटरी का ऑप्शन ही आ रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम पता क्या है? ये नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। करो आगे। रोहिण इसको ना ऐसे करके ऐसे रख। ठीक है। मैं तो मैं ही रखता हूँ। मैं रखती हूँ। मैं रख लूँगा। क्या बुलाएं किसी को? ये बैटरी का ऑप्शन क्यों आ रहा है? कुछ ऑन तो नहीं रह गया था कल? नहीं। अब ठीक है। बैक भी तो होगा, बैक वाला तो हो गया। बैक वाला भी नहीं हुआ। या तो इसको ऐसे ले जाओ फिर बैक कर लेना, आगे जा ही नहीं रही। बार बार ऑफ हो रही है और मुझे लगता है जहाँ तक कि वो बैटरी का ऑप्शन आ रहा है, बैटरी का ही कुछ सीन हुआ है। ये देखो नहीं, बैटरी का नहीं तो गाड़ी ऑन नहीं होती ना रवीनु, तब आता है। एसी भी चल रहा है। गियर में ही कुछ प्रॉब्लम है। गियर का ही प्रॉब्लम है।
चाहिए। पूरा पूरा फ्री हो गया रविन्द्र, पूरा फ्री हो गया। बुलाते हैं किसी को, एक बार लग जाए, एक गेट लग जाए। नहीं लगेगा वो, फिर यहाँ पे अटक जाएगी वो, आने में जाने में दिक्कत होगा, गैरेज में ठीक कर देगा, है ना? लगा लेते हैं अपनी जगह। तो हमारी गाड़ी का गियर अभी चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अभी YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं और मैकेनिक आएगा अभी थोड़ी देर में। प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि ऐसे नहीं हो रहा, ये वापस वैसे हो रहा है, और ये भी नहीं लग रहा है, वापस ऐसे हो रहा है, तो कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम है। ये हो रहा है, फर्स्ट नहीं लग रहा, सेकेंड नहीं लग रहा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लग रहा है शायद, पर ये भी नहीं लग रहा, इट्स नॉट वर्किंग। तो मैकेनिक वाले भैया आ गए हैं। तो अभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने, मैकेनिक ने अभी फर्स्ट गियर पे डाल दिया है, फिर देखते हैं अभी ये ऊपर जाएगी कि नहीं। वाह भाई, गाड़ी यहाँ से ऊपर ही नहीं जा रही है अभी तक, यहीं से लेके जाना बहुत मुश्किल हो रखा है भाई साहब। फर्स्ट ले गए वो, ललित का हो गया है मूड खराब। और वहां पे लेके नहीं गए कहीं? अभी कहीं गए नहीं थे, अभी निकल ही रहे थे जस्ट। हाँ नहीं, पर रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, सीधी सीधी रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अभी हम यहाँ पर ठीक करवाएंगे, इसको ठीक कराने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। होपफुली थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।